के बाद में क्वेश्चन बैंक करना चाहिए, और क्वेश्चन बैंक के बाद में आप सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। टाइम की जहां तक बात है, सफिशियंट टाइम है, टाइम तो बहुत है हमारे पास में करने के लिए, करना चाहोगे तो। इसमें मैं तुम्हारी एक मदद जो कर सकता हूँ कि कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो तुम्हें पहले बता दिया कि यार ये इम्पोर्टेंट टाइटल्स हैं, इनको तुम लोग पहले प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट टाइटल्स हैं उसके लिए आज इवनिंग में मैं एक लाइव सेशन लूँगा, जिसके लिंक मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप बच्चों के लिए भी और आप बच्चों के लिए भी, सभी के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि यार थोड़ा सा भी स्ट्रगल हो रहा है, एकदम से सारा याद नहीं हो रहा, तो वो लोग क्या करें, पार्ट बाय पार्ट याद कर लें। तो पहले हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट, मतलब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू एसिड डेरिवेटिव अमाइंस तक का जो इम्पोर्टेंट होता है जेई मेंस के लिहाज से, उन रिएक्शंस के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा कि यार ये नाम है, ठीक है। और उसके बाद पार्ट टू बचा हुआ, करना तो आपको पूरा ही चाहिए, लेकिन पार्ट बाय पार्ट आप लोग कर लें, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग, क्योंकि सिलेबस हम लोगों का हो गया है, अब आज रिविजन का फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम लोग बात करेंगे, पीओसी पे हम लोग बात करेंगे। जेई मेंस जब से एनटीए कंडक्ट करने लगा है, या एडवांस में भी अगर मैं देखूं, तो मैंने शायद पहले भी आप सब बच्चों को बताया था कि यार जो साइडलाइन टॉपिक्स हुआ करते थे, जिनको हम पहले साइडलाइन टॉपिक्स कहते थे, जब आईटी सब्जेक्टिव होता था, जैसे पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, पहले कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन जब से एनटीए ने मेंस कंडक्ट किया या एडवांस में भी, क्योंकि रिसर्च इन टॉपिक्स में बहुत अच्छी हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि एडवांस में और मेंस दोनों में ये टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा हो गया। एक बार इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं आती, लेकिन पॉलीमर से क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन जब भी आएगा, पॉलीमर जो तुम बच्चों को पढ़ाया गया है, अगर उतना भी तुमने प्रिपेयर कर लिया, उतना भी अगर तुम्हें याद है, क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो बायोमोलिक्यूल हुआ, पॉलीमर हुआ, पीओसी के जो टाइटल्स हम लोग आज पढ़ेंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मेंस में तो स्पेसिफिकली तुम पिछले 2-3 बार के पेपर्स देखो, पिछले 2 साल के पेपर्स देख लो, पीओसी से क्वेश्चंस हैं ही, पीओसी को वो अपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से रिलेट कर देता है। तो इसीलिए ये टॉपिक्स जरूर प्रिपेयर करिए, और ये छोटे टॉपिक्स हैं, इनको प्रिपेयर करने का फायदा क्या है कि अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो क्वेश्चन पक्का आता ही है, क्वेश्चन बन जाएगा। एक आप हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करो कितने लेक्चर्स का, और एक आप बायोमोलिक्यूल प्रिपेयर करो, अंतर तो है ना, बायोमोलिक्यूल में भी क्वेश्चन आना है, हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन आना है, तो ये टॉपिक्स करिए। और दूसरा, ऑर्गेनिक में एफर्ट्स लगते हैं, इनऑर्गेनिक में एफर्ट्स लगते हैं, होता ही है, लेकिन एफर्ट्स अगर लगा दिए तो मार्क्स आएंगे, ये तय है। दूसरा, ऑर्गेनिक में पर्टिकुलर कभी ये नहीं सोचना कि मुझे परफेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, जैसे फिजिक्स में परफेक्शन लाना आसान होता है, मैथ्स में परफेक्शन आ जाता है प्रैक्टिस से, लेकिन ऑर्गेनिक में हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा, यार मेरे से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, डाउटफुल सिचुएशन रहेगी, लेकिन बिलीव मी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या याद करना पड़ेगा, और याद करने के साथ साथ काम करना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन किए काम चलेगा नहीं, थोड़े क्वेश्चन आपको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आज इवनिंग में हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे, उसके लिंक में आप बच्चों के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोकार्बन ऑनवर्ड्स हम लोग इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मीन्स के लिहाज से कौन कौन से होते हैं वो पहले आप प्रिपेयर करना, बच्चे भी बाद में। आज हम लोग बात करेंगे पीओसी की, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, आप सब बच्चों 12th में हो और आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स लेटे तो क्या हुआ, प्रैक्टिकल्स तो देने ही पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आता क्या है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड हो या आपका कोई भी रेस्पेक्टिव बोर्ड हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फिजिकल केमिस्ट्री से टाइट्रेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कूल एग्जाम्स में जो प्रैक्टिकल्स आप दोगे, उसमें रेडॉक्स टाइट्रेशन, आयोडोमेट्री, आयोडोमेट्री या एसिड बेस कुछ आता है। इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस आता है, अभी रिसेंटली आपने पढ़ा भी होगा, रवि सर ने पढ़ाया होगा, तो सर ने भी बताया था कि यार सॉल्ट एनालिसिस जो पढ़ा रहे हैं ये आपको प्रैक्टिकल में मदद करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक कलर्ड सॉल्ट या व्हाइट सॉल्ट आप बच्चों को दिया जाता है, उसमें कैटायन एनायन आप लोग आइडेंटिफाई करते हो, सर ने उसकी थ्योरी पढ़ाई। ऐसे ही ऑर्गेनिक का भी प्रैक्टिकल आप बच्चों को करना होता है। ऑर्गेनिक में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक में आप लोगों को या तो कोई सॉलिड कंपाउंड या मोस्ट ऑफ को लिक्विड कंपाउंड दे देते हैं, और उस कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप पता करना पड़ता है। ये पता करना पड़ता है कि यार इसमें एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि अमाइन है, क्या है। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन और जो फंक्शनल ग्रुप है ये ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स में करना पड़ेगा, सीबीएसई बोर्ड हो या आपका कोई भी रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड। तो ये करते कैसे हैं, इसकी चर्चा हम लोग पीओसी में करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं भैया, आप लोग भी तैयार हो क्या, ऑनलाइन वालों तैयार हो? आज बहुत अच्छा लग रहा है, 164 यहाँ पर हैं, बाकी यहाँ पर हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो,
तो भैया प्रैक्टिकल से शुरुआत करेंगे। हाँ कैमरा यहाँ है, प्रैक्टिकल से शुरुआत करते हैं। जैसे मैं क्लास में है, तुम्हारा नाम बताओ यार। लाभम, तो लाभम मेरे सामने बैठा है, ठीक है। तो मैं लाभम के बैच का केमिस्ट्री टीचर हूँ। और कौन सा केमिस्ट्री टीचर हूँ वैसे भी हूँ, और केमिस्ट्री टीचर कौन सा हूँ, अपने लैब वाला, ठीक है। कि भैया लैब में मैं लाभम को असिस्ट करूँगा, लैब टीचर हूँ मैं लाभम का। तो मैंने क्या करा, लाभम को ये ऑर्गेनिक लिक्विड दिया, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक लिक्विड दे के कहा कि यार लाभम बेटा, आप और आपके साथी इस लिक्विड में फंक्शनल ग्रुप पता करिए, ठीक है। और ये देकर ये मैंने लाभम को दिया और मैं चाय पीने चला गया, ठीक। अच्छा, अब लाभम और लाभम के साथी लैब में, अब लाभम को तो आप सब जानते ही हो, ठीक है। लाभम और लाभम के साथी सब क्लास में हैं ही। अच्छा, बाहर मुझे क्या एक इनकी क्लास का ही बंदा मिल गया, अपना नाम बताइए। अक्षांश, तो मुझे अक्षांश बाहर ही मिल गया, ससुरा शायद चाय वाय पीने ये भी गया था तो टकरा गया मुझसे। तो मैंने अक्षांश को बोला, मैंने अक्षांश ध्यान रखना, लाभम को मैंने एक ऑर्गेनिक लिक्विड दिया है और वो बेसिकली पता है क्लोरोबेंजीन है, तो उसको बताइयो मत, ये मैंने अक्षांश को बोल दिया, ठीक। चला गया मैं, अक्षांश अपना वापस लैब में आया और उसने जाके चुगली कर दी लाभम से। बोले लाभम कुछ नहीं रहे, सर ने तेरे को क्लोरोबेंजीन दिया है, अब आराम से अपन गपशप मनाते हैं, T20 की बातें करते हैं, ठीक है। और जब सर आएंगे तब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेंगे, अपने को तो पता लग ही गया क्लोरोबेंजीन है, ठीक। अच्छा, कुछ देर बाद में 10-1 मिनट हुए, चाय पी के मैं आने लगा, पता नहीं क्या, सर जैसे ही आने लगते हैं तो बच्चों को पहले ही खुशबू आ जाती है, तो बच्चों को पता लगे, बोले सर आने वाले हैं। तो इन्होंने मुझे दिखाने के लिए किया क्या, अक्षांश ने और लाभम ने किया क्या, लाभम ने इसको इंस्ट्रक्ट किया, बोले यार देख क्लोरोबेंजीन तूने बताया, सर ने दिया है, तो फटाफट तू AG03 लिया, तो अपन सर को टेस्ट करके बताएंगे। तो अक्षांश अपना AG03 लिया आया। सोच क्या थी इसके पीछे इनकी, कि यार क्लोरोबेंजीन है, AG03 डालेंगे तो AGCL की वाइट PPT बन जाएगी, ससुर ये सोच ये रहते, ठीक। तो लाभम ने क्या करा, सैंपल निकाला और उसके बाद में अक्षांश जो AG03 लाया था वो डाला, इतने में मैं आ गया। मैंने कहा लाभम पता करा क्या है, बोले सर क्लोरोबेंजीन है। मैंने कहा कैसे पता, बोले सर PPT। अरे ससुरी आई नहीं, अब ये क्या सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि क्लोरोबेंजीन है, सीएल है, सीएल है तो AG03 डालूंगा तो AGCL की वाइट पीपीटी आ जाएगी, पीपीटी आई नहीं, क्योंकि इन्होंने एक दिमाग नहीं लगाया। क्या दिमाग नहीं लगाया, ये भूल गए कि इनको क्लोरोबेंजीन सर ने दिया था, तो क्लोरोबेंजीन में जो सीएल है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है AgNO3 के साथ। अगर आप AgCl की पीपीटी चाहते हो तो वो सीएल निगेटिव चाहिए था, मतलब अगर सॉल्यूशन में क्लोराइड होता ना, सीएल निगेटिव होता, तो AgNO3 मिक्स करने पर AgCl की वाइट पीपीटी आ जाती। लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड आपको दिया गया था वो क्लोराइड नहीं था, वो सीएल कोवेलेंटली बॉन्डेड था, ठीक है। इसलिए याद करिए, जब एल्काइलाइड आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि यार कभी भी ये पूछा जाए कि कौन से RX AgNO3 के साथ में AgX की PPT बनाएंगे, तो वो लोग बनाएंगे जहां X नेगेटिव आसानी से निकल जाए और कैटायन अच्छा बने। अब क्लोरोबेंजीन में तो ऑरैलिक कैटायन अच्छा बनेगा नहीं, तो Cl तो वहां कोवेलेंटली बॉन्डेड है, Cl नेगेटिव के फॉर्म में तो निकलना नहीं। तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होते हैं, राइट। अब कोवेलेंट नेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनसे हमें फंक्शनल ग्रुप पता करना है। कैसे पता करते हैं, तो पता करने के लिए पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले एलिमेंट पता करने की कोशिश करते हैं कि भैया उसमें हेलोजन है क्या, उसमें नाइट्रोजन है क्या, उसमें सल्फर है क्या। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट हमें बता दे तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। जैसे आप समझो उसको, मैं अपने इन जनाब को ये अगर लिक्विड देता और साथ में एक क्लू दे देता कि इसमें जो मैंने कंपाउंड दिया है उसमें नाइट्रोजन है, सपोज मैं ये क्लू इनको दे देता लाभम को, तो फिर लाभम बताओ उसके दिमाग में क्या क्या आता। अगर मैं उसको बोलता कि यार ये ऑर्गेनिक लिक्विड जो दे रहा हूँ इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन है, तो लाभम के दिमाग में क्या आता कि सर इसका मतलब मेरे को अमाइन सोचना है, भाई अगर नाइट्रोजन है तो अमाइन हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, अमाइड हो सकता है। अगर मैं उसको सैंपल देने के साथ साथ बोल देता कि यार नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं है बेटा, इसका मतलब वो अमाइन को अवॉइड कर देगा, वो अमाइड को अवॉइड कर देगा, वो नाइट्रो को अवॉइड कर देगा। मतलब अगर एलिमेंट का पता अपने को चल जाए कि यार नाइट्रोजन एलिमेंट है या नहीं, दोनों से कितनी मदद मिल जाएगी, हेलोजन का पता लग जाए काफी मदद मिलेगी। तो हम लोग जब एक्चुअली प्रैक्टिकल करते हैं, प्रोसीजर से चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक सैंपल आपको दिया गया है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, उसमें हम लोग सबसे पहले एलिमेंट पता करते हैं कि भैया उसमें नाइट्रोजन है कि नहीं, क्योंकि उससे मदद मिलने वाली है। नाइट्रोजन है तो भी मदद मिलेगी सोचने में, और नहीं है तो भी मदद मिलेगी सोचने में। तो हम लोग नाइट्रोजन का पता करेंगे, सल्फर का पता करेंगे, हेलोजन का पता करेंगे। लेकिन इन एलिमेंट का पता करने के लिए जो टेस्ट हम लोग लगाएंगे वो टेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले होंगे। जैसे हेलोजन का पता हम लोग AgNO3 से ही लगाएंगे,
AgNO3 डालेंगे और पीपीटी आएगा उससे ही हेलोजन का पता लगेगा। अगर व्हाइट पीपीटी आया तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट Cl है, मतलब AgBr पेल येलो, AgI एक्सेलेंट येलो। तो जो एलिमेंट का पता लगाने के लिए टेस्ट लगाए जाते हैं वो तो इनऑर्गेनिक वाले ही हैं, सॉल्ट एनालिसिस वाले ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनऑर्गेनिक वाले टेस्ट तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए लगते हैं। तो उसके लिए अगर Cl का टेस्ट हमें लगाना है AgNO3 के साथ में, तो Cl आयनिक फॉर्म में चाहिए ना, वो तो कोवलेंटली बॉन्डेड है। इसीलिए हम लोग करते क्या है बेटा, फाइनली कंक्लूड करूंगा, हम लोग फाइनली करते क्या है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है, ऑर्गेनिक का सैंपल आपको दिया गया है, उसमें पहले तो आपको एलिमेंट का पता करना है। एलिमेंट का पता आपको आयनिक स्टेट में लगाना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवलेंट है। तो हम लोग करेंगे क्या, कोवलेंटली बॉन्डेड जो एटम है उसको पहले आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी प्रिपेयर LS, Lissagnier सॉल्यूशन। समझ में आए? तो LS का नाम आपने सुना होगा, आप में से कई बच्चों ने शायद ये एक्सपेरिमेंट 11th में भी किया होगा। किसी ने किया है क्या 11th में, आप लोग भी और आप लोग भी, किसी ने LS बनाया क्या? LS नहीं बनाया, ये लोग तो मना कर रहे हैं। LS, या कभी तुमने ऐसा देखा हो एक छोटी सी टुइया सी टेस्ट ट्यूब होती, इग्निशन टेस्ट ट्यूब? नहीं, प्रैक्टिकली नहीं किया। ओह, स्कूल ही नहीं गए सर, प्रैक्टिकली नहीं किया, लैब ही नहीं गए सर कोरोना काल में। आप अगर तुम लोग लैब जाते तो तुम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं, और प्रैक्टिकल्स करते तो वहां पर ही टेस्ट करते हैं। हो सकता है कि तुम्हें अभी करवाए जाए, पता नहीं, मतलब अगर प्रैक्टिकल्स होने हैं तो हैं, तो अगर वो तेरे को स्कूल जाना है और अगर करा सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बेटा कि शायद वो लोग ये वाले टेस्ट करवाएंगे। तो LS कैसे बनाते हैं अपन, उस पर आते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी लिखना स्टार्ट करो, और आप लोग भी स्टार्ट करो भैया। Lissagnier सॉल्यूशन, LS, ये टेस्ट ट्यूब बड़ी हो गई, इसको छोटी बनाता हूं, क्योंकि तो यहां से टेस्ट ट्यूब होती है ना, ताकि तुम्हें साइज समझ में आए। इसको बोलते हैं इग्निशन टेस्ट ट्यूब, छोटी सी। और इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ में तुम्हें सोडियम मेटल डालना है, और इसको हीट करना है। इसको हीट किया अच्छा खासा, और उसके बाद में इसको ट्रांसफर करेंगे डिस्टिल वाटर में। इसमें इसको ट्रांसफर कर दो। देखिए, पहले प्रोसीजर को समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी करना। तो हम लोग एलिमेंट का पता करने वाले हैं। पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि जो भी ऑर्गेनिक सैंपल हमें दिया है उसमें एलिमेंट का हम पता करेंगे। एलिमेंट का पता करने के लिए हम लोग टेस्ट इनऑर्गेनिक फॉर्म में लगाते हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या है, जो एलिमेंट कोवलेंटली बॉन्डेड है उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये आपको वाइवा में पूछी जा सकती है। याद रखना, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होते हैं वो वाइवा पे बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। वाइवा समझते हो ना, कि जब आप ओरिजिनली आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे, जो एक्सटर्नल आएंगे, वो आपकी कॉपी तो देखेंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो वहां पर आपसे ये पूछेंगे कि भैया ये बता, LS बनाया कि नहीं बनाया तूने? LS बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? और दूसरा क्वेश्चन, LS बनाते क्यों है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम LS बनाते क्यों है, LS बनाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है उसको आयनिक फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना। इसके लिए हम लोग LS बनाते हैं। LS कैसे बनाते हैं समझो जरा। तो जब आप लैब में जाओगे तो लैब में एक बहुत छोटी सी टेस्ट ट्यूब नजर आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेस्ट ट्यूब। बहुत टुइया सी टेस्ट ट्यूब होती है। तो करना क्या है, इग्निशन टेस्ट ट्यूब लेना। जब आप LS बनाओगे तब पहली बार आप सोडियम मेटल के दर्शन करोगे लैब में। सोडियम मेटल उसके पहले पैराफिन में या केरोसिन में डूबा रहता है। जब ये टेस्ट करवाते हैं तो सोडियम मेटल को बाहर टेबल पे निकाल के रख दिया जाता है, और साथ में ब्लेड या स्पैचुला कुछ रख दिया जाता है। करना क्या है तुम्हें, प्रोसीजर समझो। छोटी सी इग्निशन टेस्ट ट्यूब लैब में मिल जाएगी, वो लेना। उसके बाद में क्या करना बच्चों, सोडियम मेटल का जो सैंपल जहाँ रखा हुआ है वहाँ जाना और हल्का सा सोडियम पीस कट करना। सॉफ्ट होता है सोडियम मेटल, तो उसको कट किया, कट करके इग्निशन टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है? उसके बाद में क्या, जो आपका ऑर्गेनिक का सैंपल है, ये ऑर्गेनिक का सैंपल लिया, इग्निशन टेस्ट ट्यूब में डाला, होल्डर से पकड़ा, और उसको हीट करना है, ठीक? हीट करने के पहले एक और बोरोसिल की टेस्ट ट्यूब बड़ी वाली लेना, उसको 3/4 पानी से भर लेना, या डिस्टिल वाटर हो तो बहुत ही अच्छा, डिस्टिल वाटर से भर लेना। और उसके बाद में इस इग्निशन टेस्ट ट्यूब को, जिसमें सोडियम है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको खूब हीट करो, खूब हीट करो। जब ये लाल सुर्ख हीट हो जाए
इसको उठा के कहाँ छोड़ दोगे, उस डिस्टिल वाटर में, बड़ी टेस्ट ट्यूब में छोड़ दोगे। बड़ी टेस्ट ट्यूब में छोड़ोगे फूट जाएगी वो छोटी वाली इग्निशन टेस्ट ट्यूब, और फिर सोल्यूशन मिक्स हो जाएगा। फिर क्या करो, अपना फिल्टर पेपर का कोन बना लो और उसको छान लो। वो जो फिल्ट्रेट होता है, दैट फिल्ट्रेट इज नोन एज LS Lesagne सोल्यूशन। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ में हीट करते हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हेलोजन है जैसा इसमें था, तो वो सोडियम के साथ हीट करने पे आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, एक्स नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, NX की फॉर्म में आ जाएगा। सल्फर होगा तो वो Na2S की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब सोडियम के साथ हीट करने पर हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, जो कोवलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में। तो एक्स कन्वर्ट इंटू एक्स नेगेटिव, सल्फर कन्वर्ट इंटू S-2। अगर कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता ही है, और साथ में अगर नाइट्रोजन हुआ, तो कार्बन नाइट्रोजन और सोडियम मिलकर NaCN की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखना स्टार्ट करिए। तो ये आपने इसको इधर मिक्स किया, फिर इसको फिल्टर कर लो। तो जो फिल्ट्रेट है, दैट फिल्ट्रेट इज नोन एज LS Lesagne सोल्यूशन। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, इसके पीछे की केमिस्ट्री है कि जब आपने सोडियम के साथ हीट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हेलोजन है, दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, हीट करने पे ये किस फॉर्म में आ जाएगा, NX की फॉर्म में। अगर सल्फर है, हीट करने पे वो किस फॉर्म में आ जाएगा, Na2S की फॉर्म में। लिखते जाएं, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। अगर नाइट्रोजन है, OC ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन और सोडियम हीट करने पर वो NaCN की फॉर्म में आ जाएगा। अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर नाइट्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन सल्फर नाइट्रोजन तीनों मिलकर NaCN बना लेते हैं। तो ये होता है LS के अंदर। मतलब LS के अंदर वो जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड किस फॉर्म में है, सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में। ठीक है, हाँ, ये 11th में मैंने बताया था बेटा, बट कई बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा है ना, तो दोबारा से बता रहा हूं। हाँ बच्चा, कैसा भी कंपाउंड हो, भले एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, नहीं फर्क पड़ता। जो एलिमेंट है, अगर हेलोजन है तो NX की फॉर्म में आएगा, सल्फर है तो सल्फाइड की फॉर्म में, अगर नाइट्रोजन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर NaCN, अगर सल्फर नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो NaCN की फॉर्म में। क्या आप लोगों ने कॉपी कर लिया, प्रोसीजर नोट करने की जरूरत नहीं है, लिखा तो है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम मेटल को हीट किया, हीट करने के बाद में उसको बड़ी टेस्ट ट्यूब जिसमें डिस्टिल वाटर है उसमें ट्रांसफर करके फिल्टर कर लिया, फिल्ट्रेट इज LS। कैन वी मूव, नोटेड, तुम लोगों ने नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में, शायद मेंस वगैरह में आया हुआ है ये, हाइड्रोजीन क्या ये टेस्ट देगा, हाइड्रोजीन क्या नाइट्रोजन, हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन है तो क्या हाइड्रोजीन नाइट्रोजन का टेस्ट देता है क्या? या चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे, नाइट्रोजन के टेस्ट की बात करते हैं, पहले नाइट्रोजन का टेस्ट पढ़ाता हूँ उसके बाद बात करेंगे। तो LS बनाना सबको आ गया, अब LS हमारे पास में तैयार है, अब LS से हम लोग टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट, एन एलिमेंट, इसका टेस्ट कैसे लगाते हैं बेटा, LS का एक सैंपल लेना और उसके बाद में इसमें फेरस सल्फेट NaOH के साथ में हीट करिए, फिर कूल करिए, और उसके बाद इसमें आप FeCl3 और HCl डालिए। अगर प्रूशन ब्लू आता है तो नाइट्रोजन एलिमेंट कंफर्म। केमिस्ट्री क्या है इसके पीछे, केमिस्ट्री समझो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में आ गया LS के अंदर, नाइट्रोजन अगर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो किस फॉर्म में आ चुका है,
अभी बताया था ना, अगर नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो एलएस में किस फॉर्म में आ गया? एनएसीएन की फॉर्म में, साइनाइड की फॉर्म में। तो एलएस में नाइट्रोजन अगर है तो वो किस फॉर्म में आ गया है? एनएसीएन की फॉर्म में आ गया है। अब आपने पढ़ा होगा एनएसीएन, FeSO4 और NaOH, इनको जब आप हीट करते हो तो याद है फेरोसाइनाइड बनता है, सोडियम फेरोसाइनाइड। तो यहां बनेगा क्या? Na4 FeCN6। सोडियम फेरोसाइनाइड पहले बनता है, सोडियम फेरोसाइनाइड। तो यहां पर सोडियम फेरोसाइनाइड हमने पहले बनाया, और इसके बाद में जब आप इसको FeCl3 के साथ में ट्रीट करोगे, तो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यहां पर आयरन +2 स्टेट में है और यहां पर आयरन +3 स्टेट में है। तो कुछ प्रूशन ब्लू का नाम सुना? सॉल्ट एनालिसिस, प्रूशन ब्लू क्या होता है? फेरी फेरोसाइनाइड। सॉल्ट एनालिसिस Fe+3 और FeCN6 4-, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो एंड द आंसर विल बी Fe4 FeCN6 3। प्रूशन ब्लू इसका होता है, दिस इज प्रूशन ब्लू, दिस इज प्रूशन ब्लू। बात समझ में आई सभी को, आप लोगों को? तो ये नाइट्रोजन का टेस्ट है। तो नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे लगाना है, थॉट समझ में आ गया? क्या तरीका मैंने बताया? पहले एलएस बना लिया, एलएस बनाने के बाद में एलएस का एक सैंपल लिया, उसमें आपने पहले फेरस सल्फेट एनएच के साथ में हीट किया, उसके बाद में FeCl3 और HCl डाल दिया। अगर प्रूशन ब्लू आता है नाइट्रोजन कंफर्म, राइट? देखते हैं यार POC हो पाता है कि नहीं हो पाता, वरना अगली क्लास तक कंटिन्यू चलेगा। कॉपी कर लिया। अब यहां मैं तुमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हाइड्रोजन, ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या हाइड्रोजन नाइट्रोजन का टेस्ट देगा? आप लोग क्या बोलते हो, हाइड्रोजन NH2 NH2 नाइट्रोजन का टेस्ट देगा कि नहीं देगा? ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देगा या नहीं देगा नाइट्रोजन का टेस्ट? देखो नाइट्रोजन का टेस्ट कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन हो, एक चीज, और दूसरा सोडियम के साथ में NaCN बन जाए, क्योंकि नाइट्रोजन का ये जो टेस्ट है वो LS में NaCN बनने के बाद लगा। NaCN बनने के लिए क्या जरूरी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना जरूरी है। हाइड्रोजन का दिक्कत क्या है? हाइड्रोजन NH2 NH2 है, तो उसमें कार्बन है ही नहीं, और अगर कार्बन नहीं है तो सोडियम के साथ तुम हीट भी करोगे तो NaCN थोड़ा ना बनना है, और जब तक NaCN बनेगा नहीं टेस्ट कैसे लगेगा भाई? तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन होने के बावजूद टेस्ट नहीं देगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर कार्बन नहीं है उस कंपाउंड में, केवल नाइट्रोजन है, तो बात बनेगी नहीं। नाइट्रोजन का टेस्ट तभी लगेगा जब NaCN बन जाए। तो ये आप बिल्कुल यहां पर एक पॉइंट लिखिएगा, पहले इसको कंप्लीट कर लें। यहां प्रूशन ब्लू, ठीक है, ये रिएक्शन मैंने बता दी आपको प्रूशन ब्लू की, ये प्रूशन ब्लू इसे कहते हैं। फिर एक नोट लिखें, हाइड्रोजन NH2 NH2 नॉट शो टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, रीजन लिखना, NaCN कैन नॉट बी फॉर्म। राइट, हाइड्रोजन नॉट शो टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, रीजन NaCN कैन नॉट बी फॉर्म्ड। राइट, चलिए आगे बढ़ूं। नोट कर लिए, थॉट समझ में आ गया। अगला है हैलाइड का टेस्ट, हेलोजन टेस्ट फॉर हेलोजन। देखो ऑर्गेनिक सैंपल में अगर हेलोजन एलिमेंट है तो वो किस फॉर्म में आ चुका है? NaX की फॉर्म में। तो तुम्हें करना क्या है हैलाइड को कंफर्म करने के लिए? LS का सैंपल लेना और सैंपल लेके AgO3 मिला देना। AgO3 मिलाओगे, AgX का PPT आ जाएगा, AgCl वाइट, AgBr पेल येलो, AgI एक्सेलेंट येलो। तो PPT के कलर से तुम्हें हेलोजन का पता लग जाएगा। तो बस वही लिख रहा हूँ, लिखो LS प्लस
AgNO3, तो AgX का प्रेसिपिटेशन होगा। LS में ये किस फॉर्म में है, NX की फॉर्म में। AgX का कलर क्या आता है उससे पता लगेगा, AgCl अगर आया तो वाइट होगा, तो इससे पता लगेगा हेलोजन Cl है। AgBr पेल येलो, AgI एक्सेलेंट येलो या ब्राइट येलो। ठीक है, तो ये हेलोजन का टेस्ट। आगे बढ़े, इसके बाद में तुम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस अभी रिसेंटली पढ़ा है, तो सल्फर का टेस्ट पढ़ा है क्या? सल्फर का कौन सा टेस्ट पढ़ा है तुम लोग भी बताओ, सल्फर का कौन सा टेस्ट पढ़ा है? सल्फाइड, सल्फाइड का बड़ा फेमस टेस्ट है, लाइम वाटर। लाइम वाटर SO2CO2 के लिए होता है। सल्फर, सल्फाइड का टेस्ट कौन सा पढ़ा? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, नहीं पता, कुछ याद ही नहीं है अभी रिसेंटली। सल्फाइड का टेस्ट आपने पढ़ा होगा, एक तो PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बना लो, या फिर दूसरा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, उसके साथ में वॉयलेट कलर आ जाता है, याद ही नहीं है। चलो थोड़ा स्पीड अप करने के लिए, यार ये देख पाओगे क्या? नहीं, उल्टा दिख रहा है। लिखना ही पड़ेगा यार, उल्टा कहानी उल्टी है ना। चलो लिखो। नहीं, इसको वैसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पर तू भी अभी तो तुम लिख ही लो, बाकी चीजें अपन इससे ही पढ़ेंगे, कुछ चीजें लिख लेते हैं। लिखो सल्फर का टेस्ट, सल्फर का टेस्ट वो कैसे लगाना है। LS लिया, LS में ये Na2S की फॉर्म में है, तो इसमें आप क्या करिए, एसिटिक एसिड मिलाइए और देन ऐड लेड एसिटेट। LS में सल्फर Na2S की फॉर्म में है, तो Na2S एसिटिक एसिड H2S बनेगा, H2S लेड के साथ में PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा, तो PbS का ब्लैक PPT मिलेगा। तो एक टेस्ट आप ये लगा सकते हो। सॉल्ट एनालिसिस में तुमने कैटायन के टाइप तो पढ़े होंगे ना, कैटायन किस किस फॉर्म में प्रेसिपिटाइज्ड होते हैं, सेकेंड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, मेटल सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, तो उसमें PbS पढ़ा होगा, PbS ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं सर, याद नहीं हुए सर। चलो एक टेस्ट तो ये, दूसरा टेस्ट LS में आप एक काम करिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाइए, तो डीप वॉयलेट कलर आता है। क्यों आता है? LS का Na2S, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यार ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ना, इसको मैं 251 कॉम्प्लेक्स बोल देता हूँ ऐसे मजाक में। 251 क्या, 2, 5 और 1, तो साइनाइड 5 है और NO1 है, तो 251। अब सल्फाइड के साथ में जो यहाँ डीप वॉयलेट होता है वो भी कॉम्प्लेक्स है, उसका उसको फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? तो 2 का 4 NO का NOS, ऐसे याद रखना। तो 2 का 4, तो 2 का 4 और NO का NOS, तो CN5 NOS, ऐसे याद रखना। तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, FeCN5NOS, याद हो जाएगा। तो 251 कॉम्प्लेक्स सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का ये फॉर्मूला होता है, और जो डीप वॉयलेट कलर है वो इसका होता है, ये है Na4FeCN5NOS, तो NO का NOS। ठीक है, चल कोई बात नहीं यार, एक आइडिया है कि सर उस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उल्टा हो जाएगा, अब रहने दे, अब तो इसी खत्म होने वाला है। चलो आगे बढ़ें।
तो हेलोजन का टेस्ट, सल्फर का टेस्ट, इसके बाद में होता है अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों एक साथ हैं। ये कॉपी हो गया, तुम लोगों ने कर लिया। अगला है अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों एक साथ हैं, इफ बोथ सल्फर नाइट्रोजन प्रेजेंट टुगेदर, सुनो, अगर सल्फर नाइट्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो इसमें जो टेस्ट हम लोग लगाएंगे वो बेसिकली तांत्रिक वाला टेस्ट मैं बोलता हूँ। तांत्रिक वाला टेस्ट, तांत्रिक लोग जानते हो तुम लोग? तांत्रिक लोग बताओ, तुम किसी का पाला पड़ा तांत्रिक से? अरे पहुंच मत जाना तांत्रिक के पास कि ऑर्डरिंग याद नहीं हो रही है, बाबा याद करा दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है? सुनो, तांत्रिक वाला टेस्ट क्या है? देखो, तांत्रिक लोगों की जो पहुंच होती है जनरली उन क्षेत्रों में होती है जहां लिटरेसी लेवल बहुत कम है, आप सबको पता है। तो वो लोग क्या, वो जो भोले भाले लोग हैं उनका गलत फायदा उठाते हैं। तो आप इसको ऐसा समझो, लाभम तुम पे बता दूं, लाभम मेरे सामने, तुम उसी पे कहानी सुना देता हूँ। तो अपना लाभम जो है ये मान लीजिए ऐसे क्षेत्र से है भाई जहाँ पर लोगों का विश्वास, बहुत सीधे साधे लोग हैं, आप इसको ऐसा समझो। तो लाभम जो है अपना तैयारी करने के लिए शहर आया, लेकिन किसी कारणों से भाई बचपन में बड़ा एकदम पढ़ाई में एकदम अच्छा था, अच्छा आज भी है, नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं है, आज भी बड़ा अच्छा पढ़ता है, लेकिन जितने मार्क्स आने चाहिए जैसे मान लो वैसे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो जो अपने उनके इसके क्षेत्र के जो लोग हैं उनको डाउट हुआ कि यार पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं, ये बच्चा जो है इस पे कोई ऊपर का कोई प्रभाव हो इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हो, ऐसा ऐसा मन में उनमें शंका आ गई। तो उन्होंने क्या करा, बाबा को अप्रोच किया कि भैया बाबा आइए और हमारे क्षेत्र का जो बड़ा होनहार विद्यार्थी है इसको आप एक बार देखिए कि क्या हो गया इसके साथ में। अच्छा, अब बाबा जब शहर से गाँव जाएगा तो तैयारी करके जाएगा, तो अपना मेरे ऐसा बाबा, मैं तो नहीं, क्या जो तांत्रिक बाबा है, तो तांत्रिक बाबा तैयारी क्या कर रहा है, तांत्रिक बाबा ने क्या करा कि जिन दुकानों से जो अपने ये स्कूल्स वगैरह में रिएजेंट की सप्लाई होती है उसका जुगाड़ लगाया और उसने अमोनियम थायोसाइनेट SCN और या पोटेशियम या सोडियम थायोसाइनेट के क्रिस्टल्स कबाड़ लिए, ठीक है? तो अमोनियम थायोसाइनेट व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स हैं, तो बाबा क्या करेगा, अमोनियम थायोसाइनेट या पोटेशियम थायोसाइनेट या सोडियम थायोसाइनेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनको पानी में डिजोल्व किया। अच्छा, आप सबको पता है कि सोडियम या अमोनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो भैया उसने वो क्रिस्टल्स पानी में डाल दिए, डिजोल्व हो गया पानी जैसा पानी। फिर उसने किया क्या कि वो जो सोल्यूशन है एक्वा सोल्यूशन ऑफ थायोसाइनेट उसको सिरिंज से इंजेक्शन से जो नींबू है उसमें इंजेक्ट कर दिया, ऐसे 2-5 नींबू रख लिए, फिर एक झोला बनाया उसमें वो थायोसाइनेट इंजेक्टेड नींबू, नारियल, फूल माला, अपना क्या वो लाल लाल कलर का क्या होता है, नहीं नहीं मिर्ची, अच्छा गुलाल, ये ठीक है, ये सब झोले में रखे, ठीक है? और उसके बाद में पहुंचे भैया लाभम के क्षेत्र में, ठीक। तो गांव वालों ने बड़ा अच्छा स्वागत किया, फिर बोले तांत्रिक बाबा जरा बच्चे से मिलो। तो तांत्रिक बाबा ने बच्चे को देखा, अरे बड़ा प्यारा बच्चा, पढ़ाई नहीं करता ये, अच्छा अच्छा मतलब इसके मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात। तो उसको क्या करा, चूना भी ले गए थे, चूने का गोला बनाया, बीच में बिठा दिया उसको, बिठा के माला वाला पहना दी, रंग लोगन लगा दिया, और उसके बाद 2-4 मंत्र मंत्र फूके, और उसके बाद में क्या नींबू निकाला, ठीक है? और नींबू निकाल के यूं यूं करा, और उसके बाद में जो लोहे का चाकू लाए थे उससे कट करा, जैसे ही कट करा तो लाल 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 निकला नींबू से, और एकदम जो क्षेत्र के निवासी हैं वो एकदम हतप्रत के, अरे इसका मतलब हम जो सोच रहे थे सही बात है, जबकि इसके पीछे लॉजिक क्या था? हाँ, इसके पीछे लॉजिक पता है क्या था बेटा? इसके पीछे लॉजिक है सॉल्ट एनालिसिस का। आपने सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा होगा एक बड़ी फेमस रिएक्शन कि यार अगर Fe3+ आयन होता है, Fe3+ को अगर थायोसाइनेट की सप्लाई मिल जाए, SCN नेगेटिव की सप्लाई मिल जाए, अरे भाई साहब खून जैसा लाल, FeSCN थ्राइस। तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर Fe3+ को SCN नेगेटिव मिल जाए तो FeSCN थ्राइस बनता है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? ब्लड रेड कलर, हाँ नहीं, लेकिन अभी सॉल्ट एनालिसिस में भी शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो ध्यान रखना Fe3+ की थायोसाइनेट से बड़ी पक्की दोस्ती होती है, और ये जो जनाब होते हैं ये ब्लड रेड कलर के होते हैं, ब्लड रेड, ठीक है? तो थायोसाइनेट वो इंजेक्ट
करके लेके गए थे, ऊपर से चाकू से कट किया, तो एफ ई 3+ की सप्लाई अलग दे रहे हैं, तो एफ ई SCN तो बनना ही बनना है, तो ब्लड रेड आना ही आना है। तो कभी अगर आप ऐसे देखो तो क्या करना है आपको, तांत्रिक बाबा को रोकना। बोले तांत्रिक बाबा लोहे के चाकू से नहीं काटोगे, मुंह से काट के बताओ। समझ गए, समझ गए ना। अगर दांत से लाल निकला तो फिर पक्का गड़बड़ है, ठीक है ना। चलो चलो चलो, तो यार ये वाली चीज यहाँ पर भी दी हुई है। अब देखो ये एक बार मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ, इसमें सारी चीजें अब उल्टा है, क्या करें यार। तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं, किसमें? अच्छा उसमें हो जाएगा। ओपन विद कहाँ? अब ये कहाँ घूमेगा कैसे? इसमें भी नहीं है यार। एनीवे आप तो ऐसे ही काम चलाओ, इसको शेयर वैसे ही कर लेंगे। अब ये एक बार इससे मैं बताता हूँ बेटा, ऐसे समझ पाओगे क्या तुम लोग? ये देखो, अगर नाइट्रोजन एलिमेंट है सोडियम एक्सट्रेक्ट के साथ में NaCN की फॉर्म में आ गया, अगर सल्फर है तो Na2S की फॉर्म में आ गया, अगर हेलोजन है तो वो NaX की फॉर्म में आ गया, अगर सल्फर नाइट्रोजन दोनों तो NaCN की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसके बाद उनके टेस्ट जो लगाए बेटा वो ये रहे, ये मैंने बता दिया कि सोडा एक्सट्रैक्ट को या LS को आपने फेरस सल्फेट NaOH के साथ में बॉइल किया, ठंडा किया, फिर FeCl3HCl डाला, तो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और प्रूशन ब्लू बन रहा है। तो इसमें सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही ये वाला बता दिया मैंने कि अगर आपने सोडियम फेरोसाइनेट डाला या लेड एसिटेट एसिटिक एसिड डाला तो यहाँ पर डीप वॉयलेट बनेगा, साथ में ब्लैक PPT आएगा। अगर AgO3 डाला तो AgX का वाइट PPT, AgCl का वाइट PPT, AgBr पेल येलो, AgA का एक्सेलेंट येलो। इसके बाद में ये वाला SCN अगर है तो ब्लड रेड कलर आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये वाली चीज़ भी मैं शेयर कर दूंगा, इससे आप रेफर कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो आप लोगों को ग्रुप पे मिल जाएगी। अच्छा इसके बाद में बेटा ये तो हो गया, अब एलिमेंट का पता कैसे लगाते हैं। तो एलिमेंट का पता हम लोगों ने लगा लिया कि भैया जो गिवन सैंपल है उसमें नाइट्रोजन है कि सल्फर है कि हेलोजन है कि सल्फर नाइट्रोजन दोनों साथ में है। अच्छा इसके बाद में जब एलिमेंट का पता लग गया तो अपनों को आइडिया क्या लगा, नाइट्रोजन है या नहीं पता लग गया। अगर नाइट्रोजन है तो ये लगाएंगे, नाइट्रोजन नहीं है तो वो लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट की तरफ जाते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हैं ये सारे के सारे हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उसको मैं नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, नया केवल आपको बताऊंगा मैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट और एक अमीनो एसिड का टेस्ट, ठीक है। बाकी शुरू से लास्ट तक जितने हम लोगों ने पढ़े हैं वो सारे के सारे मेरे पास PDF में, देखते जाओ। अब आप लोग भी ध्यान देना बेटा, देखिए स्टार्ट करते हैं एल्कीन से, हाइड्रोकार्बन से। याद करिए हाइड्रोकार्बन मैंने आपको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बताया था सभी बच्चों को, दो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन आप लोग भी रिवाइज करते जाना, दो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन आपको बताए गए हैं। एक बताया गया कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, याद आ रहा, बेयर्स रिएजेंट। तो उसमें क्या बनता है भैया, एल्कीन के साथ में सिस डाइओल बनता है और जो सॉल्यूशन है वॉयलेट कलर का या पिंक कलर का वो कलरलेस हो जाता है, साथ में MnO2 का प्रेसिपिटेट आता है ब्राउन कलर का। तो यहाँ पर वही लिखा है, बेयर्स कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 डीकलराइज हो जाएगा, तो इसका पर्पल कलर कलरलेस हो गया, साथ में MnO2 का PPT आता है, नोट्स में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन के वक्त। अच्छा उसके बाद में ब्रोमीन वाटर टेस्ट, याद है ब्रोमीन वाटर जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो एल्कीन या एल्काइन दोनों ये टेस्ट देती हैं, उसको डीकलराइज कर देती हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन दोनों के दोनों, नया कुछ है नहीं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसके बाद में टर्मिनल एल्काइन की याद है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगती है, आपको पढ़ाई गई थी, मैंने ही पढ़ाई थी कि यार कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो टर्मिनल एल्काइन ही देगा एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? कि टर्मिनल एल्काइन सोडियम के साथ में H2 इवॉल्व करता है, सोडामाइड के साथ में अमोनिया इवॉल्व होती है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ डर्टी वाइट PPT आता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रेड PPT आता है, याद आ रहा है सभी को? अगर याद किया है तो याद आ रहा है भैया, चैट विंडो में बताना। यस सर, ये लोग हाँ बोल रहे हैं, तुम लोग ना बोल रहे हो ना, चलो ठीक है। तो ये वाला टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट NaNH2 या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में। इसके बाद में एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के कौन कौन से टेस्ट हम लगाते हैं ये सब पढ़ा हुआ है, तो दोबारा नहीं, और ये PDF में शेयर कर दूंगा।
मेरे हिसाब से तो सीधा पीडीएफ का प्रिंटआउट निकालना और सीधा याद कर लेना, याद भी क्या करना, पुराना रेफर कर लेना और क्या। तो एल्काइल हैलाइड की का टेस्ट हम लोग कैसे लगाते हैं, तो भैया जहाँ पर स्टेबल कार्बोडाइन बन सकता है वहाँ पर हम लोग एक्वस एजिनोथ्री से ट्रीट करते हैं और पीपीटी बना के देख लेते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा है बेलिस्टिन टेस्ट, याद है मैंने बताया था बेलिस्टिन टेस्ट में कॉपर वायर के साथ आप एल्काइल हैलाइड को हीट करते हो तो ग्रीन फ्लेम आती है, ये कहीं डिस्कशन में भी आया था बेलिस्टिन टेस्ट फॉर हैलाइड। तो बेलिस्टिन टेस्ट में एक ग्रीन कलर इज गिवन ऑन फ्लेम इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन ऑन कॉपर वायर, दैट इज बस इसमें याद रखना है टेस्ट क्या होता है, कलर कौन सा आता है फ्लेम का, दैट्स इट, बाकी क्या रिएक्शन होती है उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद में एल्कोहल, एल्कोहल के टेस्ट आप याद करिए, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट बताया था मैंने, रेड कलर आता है, कैन टेस्ट, अब नोट्स रेफर करिएगा, आपको याद शायद नहीं है, कुछ बच्चों को याद है क्या भैया, इधर जो बैठे उनको तो याद है नहीं, याद है, गुड। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट रेड कलर आएगा। दूसरा अल्कोहल का टेस्ट क्या होता है भैया, याद है ईस्टरीफिकेशन, ये जो टेस्ट है ना अल्कोहल का, ये आप लोग प्रोबेबली स्कूल में भी करोगे जहां पर आप ईस्टर बनाओगे, और याद है ईस्टर फ्रूटी स्मेल कंपाउंड्स होते हैं, फ्रूटी स्मेल आती है, तो उसमें करते क्या है, जो अल्कोहल का सैंपल है H2SO4 और साथ में एसिटिक एसिड या कोई एसिड डालते हैं, तो एसिड अल्कोहल और मतलब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड और जनरल H2SO4 इन तीनों की रिएक्शन से ईस्टर बनेगा और ईस्टर की फ्रूटी स्मेल आएगी, ठीक है, तो ईस्टरीफिकेशन। इसके बाद में 2-alkanol इथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म, हाँ ये तो है ही ना यार, इथेनॉल और 2-alkanol, अब आयोडोफॉर्म टेस्ट भी हम लोग जगह जगह यूज करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो पूरी लिस्टिंग आपके पास में है, ठीक है। इसके बाद में याद है ये 2,4-DNP टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन बताया था मैंने, 2,4-DNP टेस्ट कन्फर्म कौन क्या चीज़ बताता है, 2,4-DNP अगर पॉजिटिव आया तो या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, और एल्डिहाइड की कीटोन ये पता किससे करते हैं, फेलिंग लगा लो, लेकिन हम लोग फेलिंग की जगह टॉलेंस लगाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि फेलिंग में एक दिक्कत आती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नेगेटिव देता है, तो आप लोग क्या 2,4-DNP पॉजिटिव आना मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है, अब एल्डिहाइड है कि कीटोन है तो ये कंफर्म हम लोग करते हैं किसकी मदद से, टॉलेंस टेस्ट की मदद से। तो यहाँ पर वही ये देखिएगा 2,4-DNP येलो ऑरेंज रेड कलर, तो ये बताएगा एल्डिहाइड है कि कीटोन है, और उसके बाद में फिर एल्डिहाइड के लिए क्या टॉलेंस टेस्ट लगा लीजिए, ये सारे बता दिए मैंने, टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर, बेनेडिक्ट, या ये ग्लाई नहीं है, ग्रे है, ग्रे प्रेसिपिटेट विद HgCl2, फेलिंग शिफ्ट, ये सारे के सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा दिए ना भैया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलो इसके बाद में कीटोन्स, कीटोन्स में भी आप याद करिए फेलिंग और टॉलरेंस के वक्त में बताया था कि नॉर्मल कीटोन्स तो नेगेटिव होते हैं बट अल्फा डोज कीटोन्स पॉजिटिव होते हैं, तो इस पर हमने क्वेश्चन भी किए थे कुछ रिड्यूसिंग शुगर्स वाले, या तो हम हेमिसिटल पर पकड़ा करते थे या फिर अल्फा डोक्सी कीटोन्स हम लोग पकड़ा करते थे, तो नॉर्मल कीटोन्स नेगेटिव होते हैं बट अल्फा डोक्सी कीटोन्स टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सारे टेस्ट देते हैं, ठीक है। मिथाइल कीटोन्स हेलोफॉर्म देंगे, तो ये सब ऑलरेडी कवर्ड है। इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन GOC वाली, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 के इफर्वेंसेस का आना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 के इफर्वेंसेस कौन कौन देते हैं, तो मैंने याद करवा रखा है आपको, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, एक और स्क्वेरिक एसिड, ये चार तो कम से कम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद में फॉर्मिक एसिड जो है, दैट इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड जो टॉलेंस, फेलिंग, ये सारे टेस्ट देता है, ये उस लिस्ट में है एल्डिहाइड कीटोन की। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं बेटा, ये सारे के सारे अपन ऑलरेडी इनकी डिटेल आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। ये तो बस समअप कर रहा हूँ, मैंने इसलिए कहा था तुमसे कि POC में नया पढ़ाने का कुछ नहीं है, नया पढ़ाने का केवल क्या होता है एलिमेंट टेस्ट, वो भी 11th में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, बाकी जितना हमने अभी तक ऑर्गेनिक में पढ़ा है वो बस समअप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ईस्टरीफिकेशन, फ्रूटी स्मेल। इसके बाद फिनॉल के टेस्ट, याद है फिनॉल की एक टेस्ट को मैं बार बार बोलता था तुमसे, बार बार, कौन सा वाला, न्यूट्रल FeCl3 वाला, 500 बार मैंने तुम्हें बोला है सोडियम बाइकार्बोनेट पॉजिटिव देता है कार्बोक्सिलिक एसिड सोचना, अगर आइडेंटिफिकेशन में बोलता है कि भैया टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन पॉजिटिव है तो एल्किन एल्काइन सोचना, ऐसी फिनॉल का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर आता है, ठीक है, तो फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल, एलिफेटिक एल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते हैं। अच्छा इसके बाद में फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट PPT देगा, सबका मालिक एक, याद करिए ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है, याद आ रहा है सबका मालिक एक, 10 कंपाउंड एक आंसर, कुछ याद आ रहा है क्या, हाँ सर याद आ रहा है, ठीक है राइट। अच्छा इसके बाद में क्या भाई, ब्रिस्क इफर्वेंसेस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, पिक्रिक एसिड वगैरह ये टेस्ट देंगे।
इसके बाद प्राइमरी अमाइन, याद है प्राइमरी अमाइन का एक टेस्ट बड़ा फेमस है, बदबू वाले रिएक्शन, कुछ याद आया क्या नाम होता बदबू वाले रिएक्शन का? कार्बिल अमीन, हाँ जी, आइसोसाइनेट टेस्ट या कार्बिल अमीन टेस्ट, बिल्कुल। तो प्राइमरी अमाइन का लेबोरेटरी टेस्ट है, ठीक है, उसमें क्लोरोफॉर्म एनएच या क्लोरोफॉर्म केओएच की प्रेजेंस में हम लोग जब एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को लेते हैं तो आइसोसाइनेट बनता है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, एक खुशबू वाली रिएक्शन भी थी, कुछ याद आ रही है? कुछ सरसों मस्टर्ड ऑयल, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, तो वो भी प्राइमरी अमाइन लास्ट में मस्टर्ड ऑयल स्मेल वाला कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए एजो डाई टेस्ट करते हैं। एजो डाई टेस्ट कैसे करते हैं? तो जैसे तुम एनिलीन मान लो, तो एनिलीन जो है उसको अगर मैं NNO2HCl से लूंगा या HNO2 से लूंगा क्या बनेगा बताइए? अगर एरोमेटिक एनिलीन को मैं NNO2 के साथ ट्रीट करूं तो क्या बनेगा? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बिल्कुल। और उस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर मैं फर्दर फिनॉल से करा दूं तो याद है एजोडाइज बनती है कलर्ड कंपाउंड्स, तो डाई टेस्ट। तो एरोमेटिक अमाइन के लिए हम लोग डाई टेस्ट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? एरोमेटिक अमाइन को पहले डायजोनियम में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ NNO2HCl, और उसके बाद में फिर हम लोग फिनॉल या कुछ और स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड डालते हैं और डाइज बना लेते हैं, इसको बोलते हैं एजो डाई टेस्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अमाइड, अमाइड का टेस्ट हम कैसे करते हैं? तो भैया अमाइड को आप NaOH के साथ में हीट करो, जब अमाइड को NaOH के साथ में हीट करोगे तो अमोनिया लिबरेट होगा, और अमोनिया का टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस में आपने पढ़ा है क्या? अमोनिया को नेस्लर्स रिएजेंट में फ्लो कराते हैं, K2HDI4, तो आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बनता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, सॉल्ट एनालिसिस, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ये तो फेमस टेस्ट है यार, ये तो बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, अमोनिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट ब्राउन कलर बनता है। हाँ, तो नेस्लर्स मतलब ये IIT में पूछे हुए बेटा, ये टेस्ट बिल्कुल पता होने चाहिए, प्रूशंस ब्लू का बनना, अमोनिया में जब अमोनिया को नेस्लर्स रिएजेंट में आप फ्लो कराते हो तो आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बनता है, ठीक है। अच्छा, अमोनिया की एक अलग ही स्मेल होती है, तुम अगर कभी लैब में जाने का मौका मिले तो अमोनिया की दम घोटू स्मेल है, ज़्यादा अमोनिया सूंघ लो तो मतलब शांति के साथ निकल लोगे, ठीक है, तो अमोनिया की बड़ी अजीब स्मेल होती है। अच्छा, इसके बाद में नाइट्रो ग्रुप का टेस्ट, ये अपने लिए नया है, मतलब इसके पहले जितने टेस्ट थे वो तो सारे के सारे मैं बता चुका हूँ। नाइट्रो बेंजीन का ये जो मुलिकन टेस्ट है, इसके बाद में प्रोटीन का बायूरेट निनहाइड्रीन और कार्बोहाइड्रेट का मोलिस टेस्ट, ये नए हैं, ये आज तक मैंने नहीं पढ़ा है, वो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के पूरे लेक्चर में नया क्या है आप लोगों के लिए, LS क्या, क्यों बनाते हैं और टेस्ट कैसे लगाते हैं, ये नया है। दूसरा नया अब ये वाला है, चलिए तो पढ़ाऊँ अब डिटेल में, बोलो। कल क्यों, टाइम कब तक है अपना? अभी टाइम है ना, चलो तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, कहां से देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले तो मैं तुम्हें EOC 2 में कुछ बात बताना चाहता हूं जो आपको EOC 2 से करनी है। इसमें एक रिडक्शन वाली टेबल है, ये हाँ जी, ये वाली टेबल, ये EOC 2 में आपको मिल जाएगी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये आपको EOC 2 से कॉपी करना है, लिख लो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इसको कॉपी यहाँ से करना, अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसमें नाइट्रोबेंजीन के अलग अलग मीडियम में, अलग अलग मीडियम में रिडक्शन के प्रोडक्ट दे रखे हैं, ये देखिए इसमें क्या क्या आप लोगों ने देखा हुआ है, याद है नाइट्रो ग्रुप मेटल HCl की प्रेजेंस में NH2 में कन्वर्ट होता है, ये रिवो रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन को TinHCl FeHCl से लेते हो तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा, ऐसी अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। वीक एसिडिक मीडियम में अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, अल्कलाइन मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, अलग अलग कंपाउंड्स। ऐसे ही न्यूट्रल मीडियम में अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, अलग अलग कंपाउंड्स, अल्कलाइन मीडियम में अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, अलग अलग कंपाउंड्स। तो इसमें जो मुलिकन टेस्ट है,
वो क्या है समझना। नाइट्रो ग्रुप के लिए मुलिकन टेस्ट हम लोग करते हैं, क्या करते हैं हम नाइट्रोबेंजीन को जिंक NH4Cl के साथ हीट करते हैं। जब जिंक NH4Cl के साथ नाइट्रोबेंजीन को हीट करोगे तो क्या बन रहा है, पीएच NHOH बन रहा है। अच्छा आप पीएच NHOH आपको लिस्ट में दिखेगा, कौन से लिस्ट में, एल्डिहाइड कीटोन में, याद करिए ऑक्सीडेशन की एक लिस्ट बनवाई थी 12-13 कंपाउंड्स की, कौन कौन फेलिंग टेस्ट देते हैं, कौन कौन टॉलरेंस देते हैं, कौन दोनों देते हैं, कौन नहीं देते हैं। उसमें लास्ट कंपाउंड याद करिए NHOH था, RNHOH या पीएच NHOH अगर आपको याद आ रहा है, तो वहां पर मैंने बताया था कि यार पीएच NHOH या RNHOH फेलिंग टेस्ट भी देता है, टॉलरेंस टेस्ट भी देता है। और उसमें होता क्या है, इस कंपाउंड का ये कंपाउंड होगा ऑक्सीडाइज और ये नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएगा NO। याद आ रहा है किसी को, अगर नोट्स हो आपके पास तो आप देख सकते हो। बिल्कुल, तो मुलिकन टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, नाइट्रो ग्रुप का मुलिकन टेस्ट, नाइट्रो ग्रुप को हम लोग पहले जिंक NH4Cl के साथ हीट करेंगे और उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, NHOH में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद में इसका टॉलरेंस टेस्ट लगा लेंगे। टॉलरेंस टेस्ट कैसे लगाते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ले लो, तो पीपीटी के अंदर मेटालिक सिल्वर का डिपोजिशन आपको नजर आएगा, यही मुलिकन टेस्ट है नाइट्रो ग्रुप का, तो वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है बेकर मुलिकन टेस्ट। ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप का लगता है, नाइट्रो ग्रुप को हम लोग पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं, पीएच NHOH में, और फिर टॉलरेंस टेस्ट के साथ में वी गेट डिपोजिशन ऑफ मेटालिक सिल्वर और ये कन्वर्ट होगा पीएच NO में। ठीक है, तो ये रिडक्शन की टेबल आपको याद होनी चाहिए, सेलेक्टिव रिडक्शन, दो NO2 अगर मेटा पोजिशन पर हैं तो अमोनियम सल्फाइड या Na2S की प्रेजेंस में एक NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये तो याद ही रखना है सीधा सीधा। चलो इसके बाद अगला है, हाँ जी, तो ये आई थिंक समझ में आ गया, बेकर मुलिकन टेस्ट, ये वही लिखा हुआ है NH4Cl जिंक के साथ में बॉइल किया और फिर टॉलरेंस टेस्ट लगाया तो मेटालिक सिल्वर डिपॉजिट हुआ, ये नाइट्रो ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके बाद प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, इसको भी हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, डिटेल वहां पर है मॉड्यूल में, तो उसको भी मॉड्यूल से ही हम लोग करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या खोलना पड़ेगा, उसके लिए मुझे EOC 3 खोलना पड़ेगा। EOC 3 में हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये लास्ट में मिलेंगे आपको, ये टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भैया ये जो सेकंड वाला टेस्ट है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट क्या क्या हैं, तो नाइट्रोबेंजीन वाला टेस्ट तो सुन में आ गया, नया था बेकर मुलिकन टेस्ट, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, ये भी जब आप लैब में जाओ तो ये टेस्ट जरूर लगाना। क्या लगाना, कैसे लगाना, लैब में जब जाओ तो लैब में या तो शुगर का सैंपल आपको मिल जाए, और नहीं मिले तुम अपने घर से लेके जाना, तो शुगर का सैंपल क्या, शक्कर तो घर में मिलती है ना, तो चाहो तो शक्कर ले जाना, तो हर घर में शक्कर होती है, तो शक्कर के कुछ टेस्ट आप करना, एक घर में भी कर सकते हो, लैब में जो बता रहा हूँ वो भी करना। जैसे घर में अगर करना हो तो घर में क्या करोगे, गैस तो हर घर में है ना, और मम्मी अगर खाना बनाती है तो तवे पे बनाती होगी, तवा तवा समझते हो ना, तो क्या करना, शक्कर लेना, तवे को गर्म करना, गर्म करते जाना और थोड़े शक्कर उसमें डाल देना। कभी किसी ने किया है क्या, क्या होता है अगर तवे पे शक्कर को गर्म किया जाए तो क्या होता है, सर पिटाई होती है। अरे पिटाई तो होती है लेकिन तुम मेरा नाम लेके करना, ठीक है, सेफली करना। तो पता है जब तवे पे तुम शक्कर को गर्म करोगे तो शक्कर पहले मेल्ट होगी, करके देखना, पहले मेल्ट होगी और मेल्ट होके फिर वो जलेगी तो ब्राउन ब्राउन होगी, इतनी बढ़िया स्मेल आएगी, वो खुशबू मुझे मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि तुम भी शक्कर जब जलाओगे तुम्हें वो बड़ी अच्छी लगेगी। अच्छा ऐसी खुशबू आपको उस वक्त भी आती थी जब अपने वो अमावस पे धूप ध्यान करते हैं ना, तो याद है शक्कर भी अपन डालते हैं वो कंडे में, वो खाना अर्पित करते हैं और फिर घी डाल के फिर शक्कर भी डालते हैं, हाँ, तो तवे पे भी आप ये कर सकते हो। तो ये टेस्ट है शुगर का, तो बर्निंग सल्फर की जो स्मेल आती है, हा हा हा, मतलब मुझे तो उस खुशबू से प्यार है यार, तो ये वही वाला टेस्ट है, व्हेन हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब इट मेल्ट्स टर्न ब्राउन फाइनली ब्लैक बर्निंग सल्फर, ठीक है ना, तो बर्निंग शुगर बेसिकली, तो बड़ा मजेदार टेस्ट होता है, तो ये आप कर सकते हो घर पे। दूसरा टेस्ट क्या, अगर लैब में जाने को मिले तो घर से शक्कर लेके जाना, करीब आधा एक किलो ले जाना, फिर लैब पहुंचकर जो फ्लास्क है उस फ्लास्क में शक्कर डालना, ठीक है, करीब 1/4 करीब शक्कर
इतनी कि 1/4 करीब वो फिल हो जाए। उसके बाद में दोस्त से कहना कि जा रहे हैं H2 सपोर्ट लेके आ, दोस्त जाएगा कंसनट्रेटेड H2 सपोर्ट लेके आएगा, फिर कंसनट्रेटेड H2 सपोर्ट को डालना और थोड़ा दूर डालते जाना और उसको क्या शुगर के लेवल से ऊपर तक भर देना, H2 सपोर्ट इतना डाल देना। तो तुम क्या देखोगे जैसे जैसे H2 सपोर्ट डाल रहे हो तो वो जो सोल्यूशन है शुगर और H2SO4 का वो धीरे 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 बढ़ना चालू होगा। डरना नहीं, कुछ ब्राउन ब्राउन सा ब्लैक ब्लैक सा बढ़ेगा वो, क्योंकि वो होता है ना वो दिवाली पे अपन वो सांप जलाते हैं, वो सांप की गोली याद है ना, सांप की गोली वो जलाते हैं तो सांप धीरे धीरे यूं निकलता है, तो बिल्कुल सांप जैसा काला काला सा जो होगा ना, शुगर तो व्हाइट थी H2SO4 डाला तो काला पहले मेल्ट होगा, येलो होगा, फिर ब्लैक होगा और फिर ऊपर उठेगा। डरना नहीं, ऊपर उठेगा 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 और उठने के बाद में वो ग्लास से बाहर आ जाएगा। वो जो काला काला है ना बेटा, दैट इज कार्बन, जो आपको परेशान कर रहा है ना ऑर्गेनिक में, वो वही कार्बन है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पता है क्या हुआ कि यार जो शुगर है, शुगर में जब आपने H2SO4 डाला तो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो वो करेगा क्या, शुगर में से पूरा ससुरा पानी निकाल देगा। तो जब वो जो काला काला ऊपर उठता है ना, तो उसमें से तुम्हें लगता है धुआं बाहर आ रहा है, तो धुआं बाहर नहीं आता, वो बेसिकली वाटर वेपर्स होती है। तो H2SO4 क्या करता है, उस शुगर में से पानी को पूरा पूरा बाहर निकाल देता है, क्योंकि इट इज एक्सेलेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और बच जो जाता है वो क्या है, कार्बन, कार्बन ब्लैक, ठीक है। तो भैया ये जो सेकंड टेस्ट है वो यही वाला है कि जब इसको भैया H2SO4 से हीट करते हैं तो वो जो रेसिड्यू बचता है वो कार्बन है, ठीक है। तो ये भी टेस्ट है, एक घर का टेस्ट है, एक ऐसे ही टेस्ट है, बट एक अच्छा जो टेस्ट है वो है मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट में हम लोग मॉलिश रिएजेंट यूज करेंगे। मॉलिश रिएजेंट होता है अल्फा नेफ्थॉल विद इथाइल अल्कोहल, कहीं लिखा होगा ये अल्फा नेफ्थॉल है, ठीक है। चलो तो टेस्ट में बता देता हूँ तुम्हें करना कैसे है। मॉलिश टेस्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं और ये बड़ा अच्छा टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसमें करना क्या, एक टेस्ट ट्यूब लेना, उस टेस्ट ट्यूब में आप लोग शुगर का सैंपल लेना या जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसका सैंपल लेना, ग्लूकोज हो जो भी हो वो आपने टेस्ट ट्यूब में लिया। लेने के बाद में क्या करना, उसमें H2SO4 मिक्स करना, किया नहीं H2SO4 अभी मत डालो, रुको H2SO4 बाद में डालना, पहले सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद में पहले मॉलिश रिएजेंट डाल दो। मॉलिश रिएजेंट लैब में आराम से मिल जाता है, मॉलिश रिएजेंट होता है अल्फा नेफ्थोलिन इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पर सिंबल मिसिंग है, ये अल्फा होना चाहिए, ए इज अल्फा, बेसिकली अल्फा नेफ्थोल। अल्फा नेफ्थोल कैसा होता है मैं ऐसे ही समझाता हूँ, नेफ्थलीन पता है ना, एक बेंजीन एक और बेंजीन, उनकी ये वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन होती है, ये बीटा पोजीशन होती है, तो इन इस एक पोजीशन पे OH लगा दो तो अल्फा नेफ्थोल, ठीक है। तो अल्फा नेफ्थोलिन इथाइल अल्कोहल दैट इज नोन एज मॉलिश रिएजेंट। तो हमने कार्बोहाइड्रेट का सैंपल लिया, अल्फा नेफ्थोल डाल दिया, अल्फा नेफ्थोल प्लस इथाइल अल्कोहल, मतलब हमने मॉलिश रिएजेंट डाल दिया। और उसके बाद में करना क्या है, आपको H2SO4 दोस्त से मंगाना है कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करना, टिल्ट करके साइड से धीरे 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 H2SO4 डालना। ये सॉल्ट एनालिसिस में किसी की याद दिला रहा होगा, किसी को याद आ रहा है ऐसा टेस्ट ट्यूब टिल्ट करते हैं साइड से धीरे धीरे H2SO4 डालते हैं, ये टेस्ट किसका टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट। याद आया भैया, याद आया क्या, हाँ। तो यहाँ पर ही वैसा ही फील है, कार्बोहाइड्रेट का सैंपल लिया, मॉलिश रिएजेंट डाला, अब H2SO4 को साइड से धीरे धीरे डालोगे तो H2SO4 नीचे जाएगा, सॉल्यूशन ऊपर आएगा और जो सॉल्यूशन की दोनों सॉल्यूशन की जो इंटरफेस है वहां पर आपको एक रिंग बनती हुई नजर आएगी। वो रिंग का कलर यहाँ कहीं पर होगा रेड कलर या वॉयलेट कलर बनता है, कहाँ है ये रहा, रेड और पर्पल कलर का वो जो रिंग है वो बनेगा इंटरफेस पर, दैट इज नॉन एज मॉलिश टेस्ट, ठीक है। तो कंक्लूड करूंगा, क्या क्या नया, नाइट्रो ग्रुप का टेस्ट नया, बेकर मुलिकन टेस्ट, दूसरा क्या नया, कार्बोहाइड के तीन टेस्ट कौन से, एक तवे वाला टेस्ट, बढ़िया बर्निंग सल्फर बर्निंग शुगर की स्मेल आती है, दूसरा H2SO4 वाला जिसमें चेरिंग और कार्बन ब्लैक मिलता है, तीसरा मॉलिश टेस्ट जो एक तरीके से हमें कौन सा वाला टेस्ट जो इनऑर्गेनिक से रिलेट हो रहा है वैसा टेस्ट हमें कुछ नजर आता है, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना प्रोटीन का टेस्ट, अमीनो एसिड का टेस्ट। तो अमीनो एसिड के लिए हम लोग दो टेस्ट करते हैं, एक निनहाइड्रीन बायूरेट टेस्ट, ठीक है, तो उसको भी हम लोग उसी से पढ़ेंगे। तो ये आप लोग नोट, अच्छा इसकी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं बेटा, ये सब नहीं, बस वो प्रोसीजर याद कर लेना, दैट्स इट। इसके बाद में आता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का जो टेस्ट है बायूरेट टेस्ट वो आपके लिए नया है,
ये ऑलरेडी आपके साथ में शेयर्ड है, ये रहा बेटा बाय यूरिन टेस्ट। इसमें कुछ नहीं प्रोसीजर वगैरह, मतलब ये रिएक्शन वरिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल प्रोसीजर याद रखें। प्रोटीन का, प्रोटीन में अमीनो एसिड होते ही हैं, तो प्रोटीन का सैंपल लेना है और आपको कॉपर सल्फेट एल्कलाइन मीडियम में डालना है, एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, वॉयलेट कलर आता है, दैट इज बाय यूरिन टेस्ट। ठीक है, तो पर्पल वॉयलेट कलर का कुछ बनेगा, तो ये लिखा हुआ है कि भैया कॉपर सल्फेट एल्कलाइन मीडियम में आपने डाला तो पर्पल वॉयलेट कलर अगर आपको नजर आ रहा है तो बाय यूरिन टेस्ट, कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से। ठीक है, अच्छा इसके बाद में एक और है निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन ये चीज होती है, इस कंपाउंड को हम लोग निनहाइड्रिन बोलते हैं। ये कंपाउंड कहीं पड़ा तो है, याद है एक घर में दो बेवड़ा पाप है पाप है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर वो बेवड़े स्टेबल होते हैं। निनहाइड्रिन कुछ याद आ रहा है, तीन सीओ थे, बीच वाले सीओ पे पानी का टेक कराया था, और यहाँ पर दो ओएच स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल हैं? ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये निन आ गया, हाँ ये निनहाइड्रिन। तो निनहाइड्रिन के साथ जब हम अमीनो एसिड का या प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो भी भैया पर्पल ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है, रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, केवल कलर याद रखेंगे। ठीक है, तो निनहाइड्रिन टेस्ट, बाय यूरिन टेस्ट, अमीनो एसिड का टेस्ट होता है। तो कुल मिला के नए क्या, तीन कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, उसमें स्पेशली मॉलिस टेस्ट, ठीक है, दो इसके टेस्ट निनहाइड्रिन और बाय यूरिन टेस्ट प्रोटीन के लिए। तो आई थिंक आप लोग कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा पीओसी खत्म। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अब इसमें एक और चीज 11th की जो बची है वो है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में तो हमने नाइट्रोजन सल्फर के टेस्ट पढ़ लिए, क्वांटिटेटिव से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन इनके परसेंटेज आप लोग कैलकुलेट करते हो। तो ये चीजें आपने 11th में पढ़ी है क्या, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ड्यूमास मेथड, जेलडॉल मेथड? नहीं, चलो तो वो भी मैं एक बार रिव्यू करा दूं अगर आप लोग कहो तो, क्योंकि यार एग्जाम से क्वेश्चन आने हैं ये, तो फिजिकल में पढ़ा नहीं पढ़ा इट्स ओके, जेई मेंस के लिए वो तैयार होना चाहिए। तो अगर आप लोग कहो तो वो ड्यूमास मेथड, जेलडॉल मेथड, वो सारी चीजें मैं एक बार रिव्यू करा दूं क्या, तो भला हो जाएगा तुम्हारा, चलेगा? हाँ मैं पूरा ही पढ़ा देता हूँ, राइट, ठीक है। तो बच्चों आप सुनो, जेई मेंस के लिहाज से क्या क्या इंपॉर्टेंट था, एक तो यार ये टेस्ट वगैरह याद करने पड़ेंगे, एलिमेंट के टेस्ट याद कर लोगे ना, यहाँ से क्वेश्चन मतलब मिलेंगे, आप एनटी के पेपर देखिएगा पिछले 2 साल के मेंस के, बहुत सारे शिफ्ट में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से, तो अगला टाइटल है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, तो नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, इनके कितने परसेंटेज हैं, उनकी क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये कैसे पता करते हैं? अच्छा, इसकी कैलकुलेशन वाला पार्ट में बोर्ड पे लिखूंगा, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं सीधा का सीधा एनसीईआरटी से आपको समझाऊंगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लिबिक्स मेथड। ये एनसीईआरटी है 11th की, थोड़ा स्लो चल रहा है यार। इलेवेंथ की एनसीईआरटी, जानी पहचानी लग रही होगी या अनजानी लग रही होगी। सिस्टम बड़ा स्लो है।
बस आने ही वाला है, डिस्टिलेशन के बाद ही है ये डिस्टिलेशन। बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है यार। ये आ गया, देखो कितना आराम से आ रहा है, देखो आप कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखो ये अचानक आया, ये देखिए एक और ट्यूब आ गई, आ गया। ठीक है, तो ये है लिविक्स मेथड। अब ध्यान देना यार, प्रोसीजर में समझा देता हूँ। इसमें करेंगे क्या, हम करने क्या वाले हैं पहले तो समझो। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेरे पास में सैंपल है, ठीक है, इसका मैंने वेट कर लिया, लेट ये डब्ल्यू ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब किसने मुझसे कहा कि भैया इसमें काम करो, बताओ कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, ये बताओ। तो मैं करूंगा क्या, बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसको मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इसका जितना कार्बन है वो सारा का सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाए, इसमें जितना हाइड्रोजन है वो सारा का सारा H2O में कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। ये करके मैं करूंगा क्या भैया, अगर इसका सारा कार्बन CO2 में आ जाए, सारा हाइड्रोजन अगर H2 में आ जाए, और अगर मुझे CO2 H2 के वेट पता लग जाए, मेरा काम हो गया। मैं मोल कंसेप्ट लगाऊंगा अपना, जो स्टोइकोमेट्री लगाऊंगा, और कार्बन हाइड्रोजन के परसेंटेज पता कर लूंगा। अब ये काम करते कैसे हैं, इसका कार्बन हाइड्रोजन CO2 H2 में कन्वर्ट करते कैसे हैं, उस मेथड जिससे हम ये कर रहे हैं, दैट इज नोन एज लिविक्स मेथड, ठीक है। ये उसका एपरेटस है। तो इसमें करने क्या वाले हैं बेटा, जो सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो आपको यहाँ लेना है, ठीक है, और यहाँ पर CuO की पैलेट्स हैं। CuO जो है वो इस कन्वर्जन में मदद करेगा। हम लोग करेंगे क्या, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को O2 के साथ में हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को O2 के साथ CuO की प्रेजेंस में हीट करते हो, तब ये काम होता है, इसका कार्बन CO2 में और इसका हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट होगा। तो देखिए होगा क्या, O2 ड्राई O2, ड्राई O2 आपको यहाँ से फ्लो करवानी है, यहाँ पर ऑर्गेनिक सैंपल है ही और साथ में CO की पैलेट्स हैं ही। तो जब आप हीट करोगे तो जितना भी यहाँ पर कार्बन है वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 में। जितना यहाँ हाइड्रोजन है वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट होगा, H2O में, ठीक है। तो CO2 H2O और साथ में जो O2 है अनरिएक्टेड, कुछ तो O2 यहाँ पर काम आ गई, बाकी बच गई होगी, तो वो सारी की सारी गैसेस इस तरफ, भैया ये यहाँ से आई। अब इसके बाद में ये इस ट्यूब में एंटर करेगी। अच्छा, कंबशन के पहले हम एक काम और कर लेंगे क्या, कि ये जो दो ट्यूब हैं जिसमें एक में एनहाइड्रस CaCl2 है, दूसरे में KOH है, इनका वेट हम लोग पहले ही ले लेंगे कि भैया एक्सपेरिमेंट करने के पहले इनका वेट क्या है, ठीक। उसके बाद में हमने जो गैसेस यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, कौन कौन सी, एक तो CO2, एक H2O, एक आपका अनरिएक्टेड O2 भी होगी, तो वो सारा का सारा जो गैसेस मिक्सचर, उसको यहाँ फ्लो कराइए। जब यहाँ फ्लो कराओगे तो आप बता सकते हो यहाँ पर कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, यह है एनहाइड्रस CaCl2, ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा बताओ जरा, H2O को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल। तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो जो H2O है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो H2O यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो CO2 है और अनरिएक्टेड O2 है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो अगली ट्यूब में जाएगी। जब अगली ट्यूब में गए तो अगली ट्यूब में KOH है, KOH वाले सोल्यूशन में कौन एब्जॉर्ब हो जाएगा बता सकते हो, CO2, क्योंकि K2CO3 बन जाएगा। तो यहाँ पर CO2 एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ पर H2O एब्जॉर्ब हो गई, और बचा हुआ जो O2 है अनरिएक्टेड वो बाहर निकल गया। तो इससे हमें CO2 और H2O का वेट पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा भैया, एक्सपेरिमेंट के पहले हमने इस जो यूट्यूब है उसका मास पता कर लिया था कि कितना इसका वेट है, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद में मास देख लिया, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किसका होगा, यहाँ पर H2O का और यहाँ पर CO2 का। तो इस तरीके से आपको CO2 H2O के मासेस पता लग जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को।
अब इनकी मदद से मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा कैसे, देखिएगा। तो हमने किया क्या, लिबिक्स मेथड में बच्चों ऑर्गेनिक सैंपल है डब्ल्यू ग्राम, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। हमने इसको CuO O2 के साथ हीट किया तो सारा का सारा कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2 में, सारा हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट हो गया। H2 और CO2 इनके वेट कितने आ गए, तो लेट X ग्राम CO2 हमें मिला और Y ग्राम हमें H2O मिला। ये X और Y पता कैसे लगा, उन ट्यूब के मास से, एक्सपेरिमेंट के पहले भैया CaCl2 की जो यूट्यूब है उसका वेट क्या था, एक्सपेरिमेंट के बाद में उसका वेट क्या है, बाद का वेट माइनस इनिशियल वेट विल बी द वेट ऑफ H2O। सिमिलरली KOH की यूट्यूब का मास पहले कितना था, रिएक्शन के बाद कितना है, जो मास का डिफरेंस है दैट इज वेट ऑफ CO2। अब इनकी मदद से, इन एक्स वाई टर्म्स की मदद से कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे। तो यहां पर मैं POAC लगा रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, CO2 में। तो आप लोगों ने स्टोइकोमेट्री में पढ़ा होगा POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पढ़ा है कि नहीं POAC कंसेप्ट। तो मैं कार्बन पे POAC लगाता हूं, POAC ऑन कार्बन। POAC कंसेप्ट हमारा कहता है कि मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2, यस और नो, ऐसे लिखूंगा ना इक्वेशन। अच्छा, CO2 में कार्बन के कितने मोल्स होंगे, जितने मोल CO2 के हैं उतने ही मोल कार्बन के उसमें होंगे, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2, राइट। तो दिस विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 कैसे पता लगेंगे भैया, CO2 का वेट तो पता ही है ना, x ग्राम्स, तो x ग्राम्स काम क्यों नहीं कर रहा यार, सिस्टम हैंग हो गया लगता है। आया आया आया, आज यार डिलेड है सिस्टम। चलो, तो इसके मोल्स कितने हैं, वेट इसका एक्स डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना 44। तो भैया ये CO2 के मोल्स आ गए, जितने CO2 के मोल्स हैं उतने ही मोल्स कार्बन एटम के हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यहां तक बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब वेट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 12। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन, तो दिस इज एक्स डिवाइड बाय 44 इनटू 12 ग्राम्स। भैया इतना वेट कार्बन का है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो परसेंटेज कार्बन कितना हो गया, वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया, x मल्टीप्लाइडेड बाय 12 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल, ठीक है, दिस इज परसेंटेज कार्बन। क्या बात समझ में आई सभी को, तुम लोगों को समझ में आ गया। राइट, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं बच्चों, कॉपी कर लो फटाफट। स्क्रीनशॉट लास्ट में, अभी रुको, हाइड्रोजन का परसेंटेज तो निकाल लें, तो इतनी जल्दी क्या है। अच्छा, छोटा करके रुको, अभी पहले सब लोग कॉपी कर लें फिर छोटा करता हूं। चलो कॉपी कर लिया तुम लोगों ने, अब हाइड्रोजन की कैलकुलेशन कर रहा हूं बच्चों। देखो, हाइड्रोजन की कैलकुलेशन कैसे करूंगा, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, CuO O2 के साथ जब आपने हीट किया, ये H2O में कन्वर्ट हुआ, राइट। H2O का वेट कितना है, वाई ग्राम, तो POAC लगा रहा हूं मैं, POAC हाइड्रोजन पर, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, POAC। अब मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन के कितने मोल्स है H2O में, अगर H2O के मोल्स N में मान लूं तो उसमें हाइड्रोजन एटम के मोल्स कितने होंगे,
टू टाइम्स, मतलब मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एच टू विल बी टू टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ एच टू ओ। अच्छा मोल्स ऑफ एच टू ओ कितना है, वाई ग्राम अगर एच टू ओ है तो इसके मोल्स कितने हो गए, डिवाइड बाई 18, इतना ग्राम। तो ये आ गया आपका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। चलिए तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, वेट ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1, तो इट कम्स आउट 2y/18 grams, ठीक है। तो मुझे लगता है परसेंटेज हाइड्रोजन आराम से आ गया, वेट ऑफ हाइड्रोजन विच इज 2y/18 डिवाइड बाय डब्ल्यू सैंपल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज वेट ऑफ हाइड्रोजन, एनी डाउट, ठीक है। ठीक है, लेक्चर का टाइम कब तक है, अब एक काम करते हैं, बाकी जो है कौन सा नाइट्रोजन का और जितने भी बचे हुए हैं सल्फर वगैरह, इनके एस्टिमेशन अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में पीओसी कंटिन्यूड रहेगा और उसके बाद में फिर सेपरेशन मेथड्स में पढ़ाऊंगा, तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या नाम है, आप तो कर दो, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, अब इसकी पीडीएफ जो है मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और दूसरा, आज इवनिंग में लाइव सेशन में हम लोग मिलते हैं, जिन भी बच्चों को हाइड्रोकार्बन ऑनवर्ड्स मुझसे कुछ बात करनी है ऑर्गेनिक रिलेटेड, तो वो सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।